सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यार बहुत दिनों से यहाँ पे मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए मी बैंड की एक और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मी बैंड में मी फिट ऐप के अंदर एक अपडेट आया है, जिसके बाद से यहाँ पे जो आप कस्टम वॉच फेस, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको कस्टम वॉच फेस लगाना बताया था किस तरीके से, इस तरीके का ऑसम कस्टम वॉच फेसेस आप यहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन यार अब वो लगाने में लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस अपडेट के बाद से शाओमी ने उस चीज़ को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी है, जैसे हर बार शाओमी करता है। लेकिन पे वो मेथड दूसरी तरीके से थोड़ा हो गया है, इंस्ट्रक्शन उसका थोड़ा बदल गया है। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से आपको उसको लगाना है। लगा अभी भी सकते हो यार, लगाने वाले लगा सकते हैं। तो चलिए यहां पे वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी है, सेम मेथड है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहां पे करना पड़ेगा। तो उससे पहले यार हर बार की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन मिलेगा इसी तरीके से। और ये एवेंजर्स एडिशन वाला वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड साथ ही साथ पसंद तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, प्लीज यार, प्लीज 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 लाइक जरूर कर देना। तो यहां पे सबसे पहले हर बार की तरह हमको एक ही चीज चाहिए, वो है जो कि है इसका ऐप। तो इसका ऐप जो आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको कस्टम वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि है मी बैंड 4 का इस तरीके का ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेम ऐप मैंने पहले भी वीडियो में यूज़ करा था, अब सिर्फ इंस्टॉलेशन मेथड जो है ना उसको चेंज कर दिया है शाओमी वालों ने। तो यहाँ पर अब हम इस ऐप में जाएंगे। पहले तो आपको आपका जो बैंड है वो मी फिट ऐप से कनेक्ट होना चाहिए और ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सब चीज़ कनेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपना मी फेवरेट जो भी बैंड है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वॉच फेस को। इस तरीके से वॉच फेस आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे ये वाला लगाने वाला हूँ। पहले मैंने अभी यहाँ पे ये लगा रखा है आयरन मैन वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा, बहुत ढूंढना पड़ता है उसमें। उसके बाद आपको सिंपली इस तरीके का फेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे इस तरीके का आएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी बता रहा है, लेकिन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन मी फिट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपका मी फिट ऐप ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपके ये ऐप को ले आएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे मी स्मार्ट बैंड 4 आपको ये दिख रहा है, इस पर टैप करना है। आपका बैंड कनेक्टेड होगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड अब हमको जाना है बैंड डिस्प्ले सेटिंग में। यहाँ पे अब आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, कस्टम में नहीं जाना है। अब आपको जो ये बीच में बैंड देखने को मिल रहा है ना, ये वाला जो लड़की बनी हुई है या लड़का बना है चाइनीज में, इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे ये टैप करा तो आपको बस इसी पे सिंक वॉच फेस पे टैप करना है और आपने जो अभी वॉच फेस सेलेक्ट किया है वही यहाँ पे सिंक होने लगेगा। तो इसको थोड़ा सिंक हो जाने देते हैं, कभी कभी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है। तो देखो ये सिंकिंग होने लगा है यहाँ पे, तो उसको सिंक हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ये सिंक हो जाएगा, आपने जो अपने बैंड वॉच फेस सेलेक्ट करा है वही वॉच फेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी क्विक एंड सिंपल है, बस आपको ये है कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है यहाँ पे, मेथड थोड़ा चेंज कर दिया है शाओमी वालों ने। तो इसलिए अब यहाँ पे शाओमी वालों ने थोड़ी चीज़ें यहाँ बदली है, तो इसलिए थोड़ा मेथड भी यहाँ पे बदल गया है। देख सकते हो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है सिंपली वॉच फेस चेंज होने का। आपको ये नया तरीका देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा वॉच फेस आप सेलेक्ट कर लो, बैक जाके आपको यहाँ पे जो भी वॉच फेस है, मान लो ये आयरन मैन वाला है, इस पर टैप करते हैं। इंस्टॉल पे सिंपली टैप करो, हो गया। आप ओपन मी फिट पे एंड सिंपली इस पर टैप करो सिंक वॉच फेस। कितनी ईजिली अब आपका सुपर फास्ट यहाँ पे होने लगा है। बस ध्यान रखना है कि ये जो वॉच फेस है ना लड़की वाला, इसी पे टैप करना है और किसी पे टैप आपको नहीं करना है, और आपका सिंपली जो वॉच फेस आपने सेलेक्ट करा है वो यहाँ पे वर्क करने लगेगा। तो देखो ये हो गया सिंक, और देखो इसमें आयरन मैन वाला वॉच फेस आ गया। लुक हाउ कूल यार लग रहा है यार, वाह मस्त लग रहा है। इसी को थंबनेल बनाते हैं या आयरन मैन वाले को बनाते हैं, जो यहाँ पे फिट बैठ गया वो थंबनेल बन जाएगा। तो ये है सिंपल सा क्विक सा मेथड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और क्या कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूज़ कर रहा हूँ मैं रियलमी XT, और बहुत सारी वीडियोज़ पर भी आने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो। और यार ऐसा नहीं है कि रियलमी आ गया तो शाओमी के ऊपर वीडियो नहीं आएगी, शाओमी तो अपना शाओमी ही है, उसके ऊपर वीडियो आती रहेगी। एक्चुअली रियलमी XT इस बार अच्छा यहाँ पे दिया है बहुत चीज़ें, तो मैं इसको भी ट्राई कर रहा हूँ। कलर ओएस लेकिन घटिया है, वो चीज़ आप भूल कह सकते हो किसी को भी, मैं खुलेआम कहता हूँ कलर ओएस घटिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।